बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ मैं, और आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ। जद्दा की सड़कों के ऊपर एक फिल्मी सीन बना हुआ था जी, और अल्लाह माफ़ करे ऐसे वाकयात। अल्लाह ताला की ज़ात हर परदेसी को, हर बंदे को ऐसे वाकयात से बचाए, लेकिन एक फिल्मी सीन ही था। मैं अपने हाथों को देख रहा था कि चिकनाहट इतनी ज़्यादा कहाँ से आ रही। फिर मैंने अंदाज़ा किया कि ये सर के ऊपर जब आदमी तेल की मालिश करता है ना, तो फिर चेहरे के ऊपर भी, हाथों में भी, आप मोबाइल पकड़ते हैं मोबाइल में भी, जिस चीज को हाथ लगाते हैं चकना, आपको ऐसे भाई फीलिंग होती है जैसे चकनाहट चकनाहट है। तो मालिश अगर आप सर की करते हैं तो आपको पता होगा जी। बहरहाल इस वीडियो के मुतालिक बात कर लेते हैं। जद्दा टू मक्का रोड के ऊपर एक फिल्मी सीन बना हुआ है जी। मैंने जब ये देखा, आप यकीन करें मुझे उसी टाइम वो सलमान खान की फिल्म नहीं है एक किक, उसका वो सीन याद आ गया मुझे। वो जब एक ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाता है नीचे, तो ये किक फिल्म वाला सीन यहाँ पर बना हुआ है। इस ट्राले ने बनाया हुआ है जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं या आगे देखेंगे, जो एक रोड के ऊपर देखेंगे, उसका आगे वाला हिस्सा नीचे है और पीछे से टायर घूमे जा रहे हैं इसके, तो पीछे ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है और नीचे एक ट्राला गिरा हुआ है। ये दो ट्रालों के दरमियान तसादम हुआ है और काफ़ी बड़ा वाकया, काफ़ी बड़ा हादसा इसे बोला जा रहा है। ट्रैफिक भी बंद है और ये वाकया भी काफ़ी खौफनाक था। अल्लाह ताला की ज़ात हर परदेसी के ऊपर रहम करे, इनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो भाई जो भाई बड़े ट्राला वगैरह के यहाँ पर ड्राइवर हैं, आपको पता है एक तो फाइन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा इनकी ड्राइवरी करते हुए भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, यही बेस्ट है। परदेस है जी, परदेस में आपको पता है कोई भी किसी किस्म की आदमी को मुश्किल बनती है, तो वो भाई अगर छोटी सी मुश्किल भी हो तो हमें बहुत बड़ी लगती है। अपने देश में हो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन परदेश है। बहरहाल बात वही है जी, अल्लाह ताला की ज़ात तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, यही बेस्ट है।